Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हसन इकबाल शब कदर में मीडिया से बात कर रहे हैं, आपको भी लिए चलते हैं। हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके, इनकी जो सर्विस स्ट्रक्चर्स हैं उनको बेहतर करने के लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि हम जो सिविल आर्म फोर्सेस के अंदर तफावत है वो ख़त्म करेंगे और एक सिविल आर्म फोर्सेस एक्ट लाएंगे ताकि हमारे तमाम सिविल आर्म फोर्सेस की सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर यकसानियत हो और बेहतर मराहत इनको हासिल हो सकें। इसीलिए इसी तरह हुकूमत इनको सेहत की सहूलत बेहतर करने के लिए हॉस्पिटल्स भी कायम कर रही है ताकि इनके जो ऑपरेशन में जवान जख्मी होते हैं उनकी बेहतर देखभाल की जा सके। तो मैं आज की इस ट्रेनिंग को देखकर पाकिस्तान के दुश्मन को और दहशतगर्दों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिस कौम के पास ऐसे बहादुर सपूत हों, इस तरह पुरजोश फोर्स हो, उसके जज्बे को और उसकी अज़म को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम का, हमारी हुकूमत का, पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज का, हमारे सिविल आर्म फोर्सेस का, हमारे इंटेलिजेंस के इदारों का और हमारे तमाम सरकारी मशीनरी का ये अज़म है कि हम पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे, यहाँ से नफ़रत को ख़त्म करेंगे, मज़हब की बिनाद पर, फ़िरके की बिना पर, नस्ल की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर हर पाकिस्तानी को एहतराम देखा जाएगा और कोई तासुब नहीं होगा उसके ख़िलाफ़, चाहे वो किसी भी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता हो। ये जो नफ़रत के बीज बोने वाले हैं ये पाकिस्तान में इंतशार फैला के आग और खून का खेल खेल कर हमें कमज़ोर करना चाहते हैं। पाकिस्तान की मजबूती का दारोमदार हमारे मुल्क में अमन और इस्तेहकाम पे है। चूँकि आज का दौर इक्तसादी तरक्की का दौर है, हमें एक एशियन टाइगर बनना है और हम इक्तसादी तरक्की तब कर सकते हैं जब हमारे मुल्क में अमन होगा और सियासी इस्तेहकाम होगा, पॉलिसीज़ का तसलसल होगा। तो हमारे ये सिविल आर्म फोर्सेस इस मुल्क में ना सिर्फ सरहदों पे अमन रख रहे हैं बल्कि ये जो कलीदी मंसूबे हैं जैसे कि शाहराह काराकोरम है, हमारे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे सफारतकार हैं, हमारे कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है और दीगर जहाँ पर भी मुल्क में इनकी ज़रूरत पड़ती है ये पहुँचते हैं। लिहाजा हमें इन पर फ़ख्र है और इंशाअल्लाह ताला इनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल फराम करेगी। अहसन इकबाल साहब, ये बताएं कि कल असफ़ंद यार अली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कौमी हुकूमत हमें मंजूर नहीं, क्या कौमी हुकूमत बन रही है मौजूदा जमहूरियत की बसात? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये चंद मायूस अनासर हैं और जिसे मैं सत्यानाश और बेड़ा गर्क ब्रिगेड कहता हूँ। ये सत्यानाश और बेड़ा गर्क ब्रिगेड जो है इस वक्त कौम को बुरी खबरें सुनाने में लगी हुई है। कौम की हर अच्छाई में भी इन्हें बुराई नज़र आती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 2013 के मुकाबले में बहुत बदल चुका है। 2013 में कोई दिन नहीं गुजरता था जब दर्जनों अफराद दहशतगर्दी का निशाना नहीं बनते थे। आज कई कई महीने और हफ्तों के बाद कोई इक्का दुक्का बुजदलाना कार्रवाई होती है। 2013 में हमारी मईशत कंगाल हो चुकी थी, आज हमने 10 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हासिल किया है और ये अदाद व शुमार नहीं कह रहे। आप अगर मौसम गर्मा की तातीलात में देखें तो 70 साल में इतना टूरिज़्म नहीं हुआ जितना गुज़श्ता 2 सालों के अंदर हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान से लेके सवात, कागान, कलाम, नथिया गली, मरी, ज़्यारत, कोई भी पुरफजा मुकाम अगर आप देखें, नीलम वैली, हर जगह रिकॉर्ड नंबरों पे पाकिस्तानी टूरिस्ट गया। ये किस बात की अलामत है कि उनका इतमाद बहाल हो रहा है, अमन कायम हो रहा है, उनके पास आहिस्ता आहिस्ता खुशहाली आ रही है कि वो अपने बच्चों को लेकर सैर व तफरी पर निकल रहे हैं। ये वो अलामतें हैं जो पाकिस्तान को बहाली दिखाती हैं। पाकिस्तान के खेल के मैदान उजड़ गए थे, सुनसान हो गए थे। आज बैनुल अक्वामी टीमें कोई फटीचर टीम नहीं आ रही, दुनिया के सफ़े हफल के खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान में आकर खेल रहे हैं और इंशाल्लाह अब ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी ख्वाहिश है कि बहुत जल्द हम बाकी खेल के मैदान भी आबाद करें। चूँकि खेलों के मैदानों का फ़ैसला हुकूमत नहीं करती, ये आईसीसी की सिक्योरिटी टीम करती है।
हम उनके साथ कोशिश कर रहे हैं कि कराची को भी क्लियर कराएं, पेशावर को भी क्लियर कराएं, कोटा को भी क्लियर करें, ताकि हर सूबे में बैन अल-अक़वामी खेल हों, नौजवान खेलों की तरफ रागिब हों। तो ये वो अलामतें हैं जो पाकिस्तान की बहाली और तरक्की की अलामतें हैं। तो जो जिन्हें हर चीज़ में बेड़ा गर्क और सत्यानाश नज़र आता है, मैं समझता हूँ कि ये मायूसी फैलाने वाले लोगों को कौम रद्द करेगी। कौम को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान चल रहा है और जमहूरियत की बुनियादें मजबूत हैं। हमने 70 साल तजुर्बे करते हुए ज़ाय कर दिए हैं। कोरिया, मलेशिया, हिंदुस्तान, चीन, ये सब हमसे क्यों आगे निकल गए? क्योंकि उन्होंने इस्तेहकाम के साथ तसलसल कायम किया है। तो ये हमारे चंद नाकाम किस्म के दानिश्वर हैं, नाकाम सियासतदान हैं, उनको नज़र आता है कि शायद जमहूरी अमल चलेगा तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, कोई चोर दरवाजे से हम मैचकन पहन के हल्फ उठा लेंगे। अब उनका वक्त गुजर गया है, अब पाकिस्तान का फैसला 20 करोड़ अवाम करेंगे, आइन करेगा, कानून करेगा, और जमहूरियत के साथ इसका ताल्लुक जो है कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसे साहब ने जिस ब्रिगेड का जिक्र किया वो ये प्रोपेगंडा भी कर रही है कि शरीफ फैमिली इस वक्त पूरी जो है बिरून मुल्क है, फरार हो चुकी है, साथ ही वो केसेस का हवाला दे रही है कि उसे फरार हो गई है, बैंक में दाखिला नोटिस ले। देखिए, मैं आज कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, चूँकि आज हम एक कौमी मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं और आज सिर्फ पैगाम ये है कि दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए हम सब एक हैं और हमें अपने इदारों पर जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस किरदार अदा कर रहे हैं उन पे बहुत फ़ख्र है, अपने शहदा पे फ़ख्र है। देखिए, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात 70 साल के तजुर्बे की रोशनी में हम कह सकते हैं कि ये दीवारें चीन जितने मजबूत हैं, इनमें कोई ना तो नकब लगा सकता है ना इसमें कोई दरार डाल सकता है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पहले हिमालय से बुलंद थी, अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नतीजे में ये सितारों से बुलंद हो गई है। लिहाजा चीन की दोस्ती पर हमें फ़ख्र है कि जिसने पाकिस्तान का उस वक्त हाथ पकड़ा जब कोई पाकिस्तान में $10 लगाने के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने पूरी दुनिया को कहा कि हम पाकिस्तान पे एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं और $46 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में करने के लिए तैयार है। नफरत के बीज बोने वाले मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं लेकिन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है, ऐसा कहना है वजीर दाखला चौधरी एहसन इकबाल का, जो शबकदर में पैसिंग आउट परेड के बाद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।